अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एक और एंट्रेंस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ 2023 बायोकेमिस्ट्री पेपर। तो इसकी 60 क्वेश्चंस है और 70 मिनट्स आपको टाइम अलॉटेड है। ये है बुकलेट सीरीज़ ए। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको याद रखने हैं OMR शीट को भरने से पहले या एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से पहले। तो हमने ऑलरेडी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट वन में। तो हम सीधे जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। फर्स्ट, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है एक टेट्रावेलेंट एटम है। तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। जब एक कार्बन पे जो चार बॉन्ड उसने बनाए, चारों बॉन्डों पे जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो अगर डिफरेंट हुए, डिफरेंट अटैचमेंट्स हुई, तो वी कॉल दैट कार्बन एज कायरल कार्बन। अब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होगा उस मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बेसिकली ये जो सारा कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ में हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए लेक्चर वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्ट ए इज़ एडिनिन, नहीं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज़ द कायरल मॉलिक्यूल, लिनोलिक एसिड नहीं, ग्लाइसिन नहीं। तो पार्ट बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये पेपर, इसका PDF फाइल और इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। द क्वेश्चन टू वी हैव इज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर इनैनशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, इनैनशियोमर्स ऑफ ईच अदर, कौन सा इनमें से इनैनशियोमर है एक दूसरे का। बेसिकली इनैनशियोमर क्या होता है, इनैनशियोमर्स आर बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, लाइक डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये है इसका राइट ऑप्शन। अब समझते हैं इनैनशियोमर्स को। ग्लूकोज बेसिकली डी और एल में क्या फ़र्क है, दोनों ग्लूकोज सेम तरह के होते हैं, एक्सेप्ट जो एनोमेरिक कार्बन होता है, जो पहला वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, कार्बन वन, और जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा इसकी चेन में, वहाँ लास्ट वाले कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में होगा। अगर वो राइट साइड में होगा वी कॉल दैट डी ग्लूकोज, अगर वो लेफ्ट साइड में होगा वी कॉल दैट एल। तो इनको हम बेसिकली मिरर इमेजेस कहते हैं और इन्हीं को हम इनैनशियोमर्स कहते हैं, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है ये आपस में इपिमर्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। लैक्टोज एंड माल्टोज, दीज आर टू डाइसेकराइड्स। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है। पाइरूवेट एंड लैक्टिक एसिड, नो। सो इनैनशियोमर्स का पूछा था, पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन थ्री वी हैव इज Which of the following is the weakest bond? इनमें weakest bond कौन सा होता है? Okay, ionic bond, covalent bond, hydrogen bond, van der Waal. Ionic bond strong bond, covalent bond strong bond, hydrogen और van der Waal के बीच में अगर comparison करेंगे तो hydrogen bond stronger होता है van der Waal से। हमें पूछा गया था weakest bond कौन सा है, तो van der Waal interaction सबसे weakest होते हैं। Okay. Now question 4 we have is water has the property of being universal solvent because water को universal solvent कहते हैं क्यों? It can dissolve salts, fats and oils. How can it? So oils और fats तो dissolve नहीं करता है। It has, तो ये गलत हो गया option। It has very high density, नहीं, इसकी high density नहीं होती, उसकी वजह से तो इसको बोलेंगे नहीं। It is a polar nature, it is polar in nature, yes. This is the reason. पोलैरिटी के बुनियाद पे वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर आपको इक्वेशन पता हो कि डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज द राइट आंसर। तो ये आप याद रख सकते हैं। Question 6 we have is non-polar substances like oils are insoluble in water because non-polar substances जो होते हैं oils, ये non-polar होते हैं, water polar होता है, वो insoluble होते हैं इसमें क्यों? Oils water में dissolve क्यों नहीं होते? Simple question ये है कि oil water में dissolve क्यों नहीं होते हैं? It increases the entropy of the surrounding water molecule. अगर increase entropy करेगा तो stable बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है, इट डिक्रीजेज द एंट्रॉपी ऑफ द सराउंडिंग वाटर। वहाँ पे जो है वाटर सेफियर्स, वाटर शेल्स बन जाते हैं, वाटर की एंट्रॉपी कम करता है, जिसकी वजह से वो इनस्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स दैट रिजल्ट्स इन ऑयल इज इमिसिबल और इनसॉलेबल इन वाटर। ओके,
क्वेश्चन 7 वी हैव इज अ बफर कंसिस्ट ऑफ, एक बफर जो है वो किसका बना होता है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, टू वीक एसिड्स. सो इट्स बेसिकली अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस. ओके, बफर क्या होता है, एक वीक एसिड होता है और उसकी कंजुगेट बेस होती है. क्वेश्चन 8 वी हैव इज फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल बफर, ये एग्जाम्पल होगी बायोलॉजिकल बफर की, दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच इन आर बॉडी एट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. जब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है वहाँ पे एक बायोलॉजिकल बफर हमारा होता है जो पीएच हमारा रेगुलेट करता है. कौन सा, एसिटिक एसिड CH2COH, या सोडियम एसिटेट, साइट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइस फॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट. तो सोडियम बाइफॉस्फेट एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज द बायोलॉजिकल बफर विच रिजल्ट्स विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच इन आवर बॉडी एट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ओके, इसका डी पार्ट राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन 9 वी हैव इज द कॉमन मैकेनिज्म बिटवीन द फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट. कॉमन मैकेनिज्म बोलना है जो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट में होती है, लाइट की वजह से फॉस्फोरिलेशन होती है और ऑक्सीजन की वजह से फॉस्फोरिलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें कॉमन मैकेनिज्म क्या है. फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 कम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन बोथ ऑर्गेनल्स. नहीं, क्लोरोप्लास्ट में PS1 PS2 यानी फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता. F0 F1 ATP synthase complex is involved for the synthesis of ATP in both mechanisms. नहीं, F0 F1 complex जो है वो हमारे mitochondria के inner surface पे होता है, तो दोनों में नहीं होता chloroplast, तो ये option भी गलत हो गया. Part C, a proton gradient is generated across the membrane of these organelles that is used for synthesis of ATP. यानी एक basically proton gradient जो है generate किया जाता है जो help करता है ATP synthesis में. So this is the mechanism which is common in both cases. Okay, part C इसका है, complex 1 and 4 are involved in the synthesis of ATP in both organelles. नहीं, complex 1 and 4, 1 to 4 जो है वो हमारे inner mitochondrial membrane पे होता है, जिसको हम electron transport chain या complex कहते हैं. तो वहाँ mitochondria की बात है, but it's not in the chloroplast. Question 10 we have, in cyclic photophosphorylation वहाँ पे क्या होता है, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व एंड ओनली एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज. दैट्स ट्रू. यानी जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अगेन इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ये जो इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट्स होते हैं इनको कोई भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको याद रखने हैं इस मैकेनिज्म में ये हो रहा है, आपको सीधे याद रखना है. छोटे छोटे नोट्स इसके बनाते जाइए, एक एक लाइन में इनका लिखते जाइए. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिस्टम 1 यूज़ होता है और सिर्फ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए जाते हैं. ओके, क्वेश्चन 11 वी हैव इज इन फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू राइबलोस 1,5-HIP फॉस्फेट टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. नहीं, ऑक्सीजन इज एडेड टू राइबलोस 1,5-HIP फॉस्फेट टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. यस, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है 1,5-HIP फॉस्फेट पे, तो वो बनाता है एक मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द C2 साइकिल. ओके, क्वेश्चन 12 वी हैव इज C4 प्लांट्स आर कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अंडर, C4 प्लांट्स जो है एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते, सो दे हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अंडर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, लाइक इन एरिड जोन्स, लाइक इन डिजर्ट्स. ओके, तो इसका सीधे आपको याद रखना है, C4 प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं, जहाँ पे इनको कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो होगी और हॉट और ड्राई कंडीशंस होंगे. क्वेश्चन 13 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट साइकिल है जिसको एग्जांपल हम बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल की. कार्बन साइकिल नहीं, नाइट्रोजन साइकिल नहीं, सल्फर साइकिल होता है, वाटर साइकिल नहीं. तो न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसा कौन सा है जिसको हम सेडिमेंट्री साइकिल की एग्जांपल कहेंगे, तो वो सल्फर साइकिल होता है. क्वेश्चन 14 वी हैव इज इन जनवरी 2023 बिल गेट्स अनाउंस टू सपोर्ट
research to design and manufacture dietary supplements that would help reduce the emission of the following gas, which is produced by grazing cattle and substantially contributing to global warming. 2023 जनवरी में बिल गेट्स ने एक जो है अनाउंसमेंट की कि वो रिसर्च एक रिसर्च में जो है सपोर्ट करेगा, स्पॉन्सर करेगा, वहाँ पे एक सप्लीमेंट्स बनाए जाएंगे ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स को वो खिलाया जाएगा ताकि वो एक ऐसा गैस इवॉल्व ना करे जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो कौन सा गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन. सो बेसिकली अगर हम कैटल की बात करें तो वो मीथेन गैस, ठीक है, रिलीज़ होता है वहाँ से. तो ऐसा सप्लीमेंट बनाने की कोशिश चल रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इम्पैक्ट ना पड़े. तो ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये भी है. तो मीथेन का कम जो है इवोल्यूशन या एमिशन कम करने के लिए ही रिसर्च ऐसे सप्लीमेंट्स बनाने की कोशिश की जा रही है. अब क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज Which of the following strategies will help reduce the greenhouse effect and hence the global warming? कौन सी strategies जो है reduce करेंगे greenhouse effect को और global warming को रोकने के लिए, कौन सी strategies सबसे best है? ओके, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी. येस, दैट्स राइट. ये इसे जो है इसे रिड्यूस नहीं होगा, हमें रिड्यूस करने को बोल रहा है तो रिड्यूस नहीं होगा, बट इसे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा हो जाएगी. स्विचिंग टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को अगर हम हार्वेस्ट करेंगे तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एनर्जी, तो इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कम पड़ जाएगा. इंक्रीज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने से और ख़राबी हो जाएगी, सॉइल पोल्यूशन होता है. बाय कूलिंग और लीचिंग की वजह से फिर वाटर बॉडीज़ भी पोल्यूट हो जाती है. बाय कूलिंग आवर हाउसेज विद एयर कंडीशनर, वहाँ पे CFC निकलता है, और स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, इनसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन वगैरह हो जाता है. सो पार्ट बी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 16 वी हैव इज फॉलोइंग इज अ रैंडम साइंटिफिक मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, कौन सा मेथड है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? बाय प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स बनाना तो पुरानी बात है, और ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड नहीं, ये पुराना मेथड है. ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसे भी हम नेचुरल हैबिटेट्स अगर हम बचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट इट कुडंट बी सेड दैट लाइक दिस अ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड. Now the part B we have is by creating special habitats like botanical gardens and zoological parks. So these botanical gardens and zoological parks are not the original thing. So they are actually the extra conservation, हम इसको कहते हैं, या artificial maintenance कहेंगे हम इनकी. But this is not the modern scientific method of conservation of biodiversity. So part C we will see. Using methods like recombinant DNA technology, gene or seed banks, tissue culture and cryopreservation, this is the exact thing. ये modern scientific method है जिससे हम conserve कर सकते हैं biodiversity को. Okay, question 17 we have is, bacteria uptake foreign genetic material naturally. Naturally जब bacteria foreign genetic material को लेगी तो कौन सा method use करेगी? Electroporation के लिए electricity use करी जाती है, so this is artificial method. Operon regulation, यहाँ पे आपको chemicals कुछ provide करने पड़ते हैं जिससे operon on या off हो जाता है, तो ये भी method नहीं है natural. Lipofaction, आप liposomes use करते हो और जिसकी वजह से फिर वो liposome fuse करता है plasma membrane के साथ और वो genetic material bacteria के अंदर चला जाता है. So these three are the artificial methods. नेचुरल मेथड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, दीज आर द नेचुरल मेथड्स. क्वेश्चन 18 वी हैव इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी? वी कॉल दम न्यूक्लियो कैप्सिड्स, बिकॉज उनके पास DNA, RNA जेनेटिक मटीरियल होगा और बाहर से उनको प्रोटीन कोटिंग होगी. सो कैप्सिड, उसको कैप्सिड कहते हैं, तो अंदर जो है न्यूक्लियो होता है, दैट इज DNA और RNA. ओके, now question 19 we have is during the stationary phase bacterial growth and division are slowed down because जब सिग्मोइड कर, जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखते हैं वहाँ पे सिग्मोइड कर्व दिखाते हैं, और जो स्टेशनरी फेज जो ऊपर आता है तो वहाँ पे क्यों स्लो डाउन हो जाती है बैक्टीरियल ग्रोथ? व्हाई? द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म शटलिंग ऑफ मटेरियल इज इनहिबिटेड,
नहीं, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द कल्चर मीडियम आर एग्जॉस्टेड. हाँ, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस. न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे होते हैं कल वहाँ मीडियम पे, और यहाँ से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है बैक्टीरिया की, दैट रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स. और दूसरी बात, यहाँ से डिमांड होती है ज़्यादा फूड की, तो जिसकी वजह से जो है इनका ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. द क्वेश्चन 20 वी हैव इज प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी होती है, अब आपको देखना है. दे प्रमोट द इन्फेक्शन ऑफ होस्ट बाय वायरसेस. गलत बात. प्रोबायोटिक तो हम लेते ही इस वजह से ताकि हम इन्फेक्शन से बचें, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए. तो अगर हम वायरसेस को ही दावत देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है प्रोबायोटिक्स लेने का. सो दिस इज़ रॉन्ग. दे आर वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया. नहीं, हार्मफुल नहीं होते, यूज़फुल होते. दे आर डेड बैक्टीरिया. नहीं, वो जिंदा होते. ये तीनों गलत है. अब दे आर लाइव बैक्टीरिया दैट आर मोस्टली बेनिफिशियल एंड हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल इन द गट ऑफ होस्ट एंड ऑल्सो फाइट द हार्मफुल बैक्टीरिया. यस, तो वो अच्छे होते हैं, सुशील होते हैं, और हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल में हमारे गट के अंदर. और हार्मफुल बैक्टीरिया अगर होंगे तो उनके साथ फाइट करने में मदद करते हैं. क्वेश्चन 21 वी हैव इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन एनिमल्स. एनिमल्स में मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जो रेडिली अवेलेबल भी हो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. तो स्टार्च एनिमल्स में जो है स्टोर नहीं किया जाता है. ग्लूकोज तो होता है, बट ग्लूकोज एज स्टोर नहीं किया जाता. द रीज़न बीइंग, अगर ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा एज ग्लूकोज, इससे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर जो सेल्स के अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, तो वो सिकुड़ जाएंगे और हमारे सेल्स की डेथ हो जाएगी. तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही हमारे अंदर जो है जो रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है हमारे अंदर, ये एनिमल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और फैट्स के अंदर भी स्टोर किया जाता है, बट इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल. तो सबसे फास्ट जो है ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ट सोर्स है. नाउ वन मोर क्वेश्चन फैट्स के बारे में. फैट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट्स वेरी ट्रू. वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बेसिकली दे आर एनहाइड्रस एंड रेड्यूस, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली उसी के अंदर तो पावर होता है, पावर हाउस होता है इलेक्ट्रॉन्स. तो वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस एनहाइड्रस होते हैं इनके पास पानी. वो पानी की वजह से ज़्यादा जगह पकड़ते हैं. पानी इनके पास होता नहीं, इसलिए कम जगह पकड़ते हैं. ठीक है, यानी कम्पैक्ट टाइम बॉम्ब. ओके, क्वेश्चन 23 वी हैव इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अराइज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कब आता, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही हमारा सेकेंडरी, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है. तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, अल्फा शीट, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. नाउ इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, यानी जब हम डीएनए की बात करें, डीएनए लेडर की बात करें, तो बेस पेयर वन, बेस पेयर टू, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स. नैनोमीटर याद नहीं, नैनोमीटर से कन्फ्यूज नहीं होना, एंगस्ट्रॉम्स होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम्स डिस्टेंस होता है. ओके, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस एज वी मूव टूवर्ड्स मोर प्योरिटी द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम अंडरगोज द फॉलोइंग चेंज. यानी जितना ज़्यादा हम प्योरीफाई करेंगे एक एंजाइम को, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ ये हादसा होता है. क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी, कम हो जाती है, रिमेन अनचेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैन बोथ डिक्रीज और इंक्रीज, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी इंक्रीजेज, बेसिकली उसको इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जब वो जितना वो ज़्यादा प्योरीफाई होगा. क्वेश्चन 26 वी हैव इज इन नॉन कम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. जब नॉन कम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन होता है वहाँ पे क्या होता है, के एम माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट जो है रिमेन अनचेंज, बट वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाता है. पार्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी माइकल मेंटेन कॉन्स्टेंट जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वी मैक्स जो है डिक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन 27 वी हैव इज एंजाइम्स दैट आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई साइट्स अदर देन द कैटालिटिक साइट आर कॉल्ड.
यानी एंजाइम्स में कुछ ऐसे साइट्स अगर होंगे जिनसे भी जो लाइक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेंगे एंजाइम में, एक्सेप्ट दैट ऑफ द कैटालिटिक साइट. कैटालिटिक साइट में तो सब्सट्रेट बाइंड करेगा, बट कुछ और साइट्स अगर हुई जिनकी वजह से एंजाइम को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, उन एंजाइम्स को क्या कहेंगे? उनको आइसो एंजाइम कहेंगे, प्रोटियोसोम्स कहेंगे, कैटालेसिस कहेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम कहेंगे. यस, सो दे हैव द एलोस्टेरिक साइट्स. तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स ही वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है, जहाँ पे इनहिबिटर या कोई सब्सट्रेट बाइंड करेगा, जिसकी वजह से कन्फॉर्मेशन चेंज आ जाती है और एंजाइम जो है या तो बेकार हो जाता है या वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है. क्वेश्चन 28 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज बेस्ट टू डिटरमाइन वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड के एम वैल्यूज एस्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनहिबिटर. जब इनहिबिटर ज़्यादा होंगे, इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे, तो कौन सा प्लॉट हम यूज़ करते हैं वी मैक्स का वैल्यू और के एम का वैल्यू बहुत अच्छे से दिखाने के लिए? माइकल मेंटन प्लॉट नहीं, ब्रिग्स हेल्डेन प्लॉट नहीं, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का याद रखिए. जब इनहिबिटर हम डालते हैं वी मैक्स और के वैल्यूज को हमें स्ट्रेट साफ साफ समझ आ जाता है. इनका बेस्ट वैल्यू डिपिक्शन लाइन वीवर बर्ग प्लॉट से होता है. Question 29 we have is the most common pathway for energy production is in all living organisms. सारे living organisms में सबसे आम फार्म कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है जिससे energy का production होता है? Gluconeogenesis सब में नहीं होता, TCA cycle सब में नहीं होता, beta oxidation सब में नहीं होता, glycolysis सब में होता है. इसीलिए glycolysis is the most common pathway of energy production in all living organisms. Now the last question we have is for this part, for part one of the lecture. During glycolysis, conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate is an example of. जब glycolysis में 1,3-bisphosphoglycerate को phosphate निकल जाता है, वहाँ पे 3-phosphoglycerate बन जाता है, तो इस process को हम वहाँ पे क्या कहते हैं? Oxidative phosphorylation, anaplerotic reaction, substrate level phosphorylation, allosteric regulation. We call that. I still remember जब हम कॉलेज में थे उस टाइम हमें बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ पे सर ने कहा था दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. तो आप भी याद रखिए वहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में ये प्रोसेस जब वहाँ पे फॉस्फेट निकलता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, वी कॉल दिस प्रोसेस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर फर्स्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. हैव अ नाइस डे.